हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल फील्ड इंजीनियर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। हमारी जो बिल्डिंगें होती है, हाई राइज बिल्डिंग होती है या घर की बिल्डिंग होती है या रेजिडेंटल बिल्डिंग होती है, उसमें कौन कौन सी टाइप की फाउंडेशन होती है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, फाउंडेशन दो टाइप की होती है, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। अब इनको शैलो क्यों बोला जाता है और डीप क्यों बोला जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ पहले। ठीक है, सबसे पहले याद रखो, फाउंडेशन होती है शैलो फाउंडेशन होती है हमारी एक, दूसरी होती है हमारी डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन को शैलो क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर उसकी शैलो फाउंडेशन में जो डेप्थ होती है वो लेस देन होती है ब्रेथ के। ठीक है, डीप फाउंडेशन में क्या होती है, डीप फाउंडेशन में जो डेप्थ होती है वो ग्रेटर देन होती है ब्रेथ के। नहीं समझे, समझाता हूँ। डेप्थ है, मान लो ये आपकी फाउंडेशन है। ठीक है, अब शैलो फाउंडेशन में जो डेप्थ होती है वो ब्रेथ से कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो शैलो फाउंडेशन का कहलाएगी। मान लो ब्रेथ है मेरी इसकी 1200, डेप्थ है इसकी 800, तो डेप्थ मेरी 800 कम है, चौड़ाई मेरी इसकी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको शैलो फाउंडेशन बोला जाएगा। अभी डीप फाउंडेशन में क्या है, डीप फाउंडेशन का यहाँ बता देता हूँ। डीप फाउंडेशन में पाइल आती है, ठीक है, अब पाइल 28 मीटर भी होती है, 30 मीटर भी होती है। ठीक है, और इसका पाइल का डायबा ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 1.5 मीटर होगा, 2 होगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई से तो ज़्यादा है ना, तो इसलिए पाइल फाउंडेशन आ गया। ये दो पॉइंट पता लग गए, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, और क्यों बोला जाता है इनको। शैलो फाउंडेशन में आते हैं पांच टाइप, शैलो फाउंडेशन में भी पांच टाइप आते हैं। पहले आता है वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग क्या होती है, यहां बना के दिखाता हूं। एक वॉल टाइप की फाउंडेशन होती है, देखिए पहले ठीक है, ये दोस्तों नीचे राफ्ट होती है, राफ्ट के ऊपर ये वाल बनी होती है। मतलब जो हमारा बिल्डिंग का जो मतलब बेयरिंग, जो हमारा बिल्डिंग का पूरा लोड है वो सीधा डायरेक्ट इसके राफ्ट के ऊपर आता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाल फुटिंग दी जाती है। ये वाल होगी मेरी, ठीक है, ये मेरी फुटिंग होगी। ठीक है, ये सीधी डायरेक्ट वाल फुटिंग के ऊपर से उठती है, पूरी बिल्डिंग का लोड सीधा फुटिंग पे आता है, तो इसलिए यहाँ पे वाल फुटिंग दी जाती है। दूसरा, आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग जब पैड फुटिंग बोल लो ऐसे होती है, सिंगल कॉलम के लिए इस शेप में होती है, ट्रेपाजॉइडल शेप में होती है। ठीक है, इसको आइसोलेटेड फुटिंग बोला जाता है। ये जनरली जो हमारा रेजिडेंटल बिल्डिंग होती है उसमें यूज होती है। ठीक है, 1 से 2 फ्लोर बिल्डिंग में। तीसरा है हमारा कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग कौन सी होती है, कंबाइंड फुटिंग, ये भी कॉलम है मेरा, ये भी कॉलम है। जिस फुटिंग में एक से ज़्यादा कॉलम आए, यानि कि 2 कॉलम आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, इसको कंबाइंड फुटिंग बोला जाता है। कंबाइंड फुटिंग इसलिए दी जाती है जब दोनों कॉलम की सेंटर की स्पेस कम हो, मान लो 1.5 मीटर पे हो। ठीक है, तब वहाँ कंबाइंड फुटिंग दी जाती है। ठीक है, चौथी आती है स्टेप फुटिंग। स्टेप फुटिंग यानि कि हम इसको स्टेप्ड फुटिंग भी बोला जाता है। ये कैसी होती है, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है, ये सीढ़ी टाइप में होती है। ठीक है, स्टेप टाइप में, ये स्टेप बन गया ना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये ऐसे होती है, ये आपका कॉलम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप में जो फुटिंग होती है उसको स्टेप फुटिंग बोला जाता है। ठीक है, पांचवा है मैट और राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, जो एक फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन में जहाँ सभी कॉलम आ जाए, ये मेरे कॉलम है जो राउंड वाले हैं, ठीक
ठीक है, राउंड हो, स्क्वायर हो, कोई भी कॉलम हो, एक राफ्ट में सभी कॉलम आ जाएं, अगर इसका मैं यहाँ से सेक्शन काटूँ तो, यहाँ से सेक्शन काटूँ तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है राफ्ट या मैट फाउंडेशन बोला जाता है, जिस फाउंडेशन में एक से ज़्यादा कॉलम हो, मान लो 10 कॉलम आ गए, 15 कॉलम आ गए, क्योंकि उन कॉलमों की जो आपस का जो डिस्टेंस होता है वो मान लो 1.5 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, इतना डिस्टेंस होता है, तो वहाँ पूरी राफ्ट फाउंडेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये शैलो फाउंडेशन में ये फुटिंग आती है। ठीक है, अभी बचा डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में क्या आता है, डीप फाउंडेशन में पहली आती है पाइल। पाइल कब की जाती है, जब हमारी सोयल की बेयरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन से कम हो, मतलब लेस हो, तब जाकर क्या होती है हमारी पाइल फाउंडेशन। ठीक है, जहाँ 24 से ग्रेटर हो तो वहाँ पे पाइल फाउंडेशन नहीं होती। अब पाइल फाउंडेशन, इसका मैंने आपको क्या बताया, इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, वो ग्रेटर देन किसके है, विड्थ के। ठीक है, अब मान लो ये पाइल है, ठीक है, ये 30 मीटर की पाइल है, ठीक है, इसका डाया कितना, 1.5 मीटर लगा लो। ठीक है, तो ये पाइल फाउंडेशन है। दूसरी क्या है, ड्रिल शाफ्ट फाउंडेशन, ये भी पाइल फाउंडेशन की तरह होती है, ये ड्रिल करके की जाती है और ये लोड के ऊपर डिपेंड होती है, लोड के हिसाब से, लोड बेरिंग के हिसाब से ये पाइल करी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। लेकिन हाँ, कोई भी आपसे पूछे फाउंडेशन कितने टाइप की होती है, तो बोल देना 2 टाइप की होती है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। जब आपसे कोई पूछे शैलो फाउंडेशन में कौन कौन से टाइप होते, तब आप बताना उसमें आइसोलेटेड आती है, कंबाइंड फुटिंग आती है, स्टेप आती है, राफ्ट आती है, वॉल फुटिंग आती है, और डीप में सीधा पाइल फाउंडेशन बोल देना। ठीक है, और अगर पूछे ये क्यों इसको शैलो बोला जाता है, तब आप बताना जब क्यों बोला जाए, जब आपसे क्वेश्चन पुट करे शैलो फाउंडेशन जी की, सीधा बोल देना जो उसकी डेप्थ होती है, उसकी चौड़ाई से कम होती है तो उसको शैलो फाउंडेशन बोला जाता है, जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है चौड़ाई से उसको डीप फाउंडेशन बोला जाता है। बस, जस्ट वेरी सिंपल। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।